हे हैप्पी होली गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं रुपेश एंड आप देख रहे हो तेज गेमिंग यूट्यूब चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। अगर चैनल पे नए हो तो अभी यार सब्सक्राइब मार दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। और आप सभी को यार बहुत बहुत बधाई होली का। तो यार आराम से मजे करना कल के दिन, और आज से ही होली शुरू हो गया है गाइस। तो गाइस फुल इन्जॉय करो। और अभी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने आने वाले इलाइट पास के बारे में, यानी कि मैं इलाइट पास के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपको कौन कौन से आइटम देखने को मिलने वाले हैं, इसके अंदर आपको कौन कौन से बंडल देखने को मिल जाएंगे और बंडल के डिजाइनिंग वगैरह कैसे है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है और बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो अगर चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब मार ही लेना गाइस, और इस वीडियो को तो एक लाइक जरूर मार देना यार। तो अभी यार आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना यहाँ पर बात करते हैं इलाइट पास के बारे में और इसके आइटम्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मॉन्स्टर ट्रक के बारे में, यानी कि मॉन्स्टर आपको ये देखने को मिलने वाला है मॉन्स्टर का स्किन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और सच में कहूँ तो गाइस इसमें गोल्डन और यहाँ पे ब्लू का जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, इससे भाई ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो भाई मैं इलाइट पास के अंदर आपको यही व्हीकल का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है। और बता दे गाइस, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है यानी जून इलाइट पास के बारे में, तो उसको जाके देख लेना। काफ़ी डिटेल में बताया कि जून इलाइट पास के अंदर कौन कौन से आइटम देखने को मिलने वाले हैं और उनके बंडल्स वगैरह कैसे हैं। बाकी यहाँ पे बंडल्स का कंपेरिजन अगर करें तो यार इसका बंडल और उसका बंडल दोनों का बताने वाले हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन है, और यहाँ पे जून इलाइट पास बेस्ट है कि मैं इलाइट पास। बाकी आप लोग अगर दोनों वीडियो नहीं देखे हो तो दोनों वीडियो देख लो, ये देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी जाकर देख लेना और इस वीडियो को भी देख लो, और बताना दोनों में से यानी कि मई और जून में से कौन सा इलाइट पास आपको सही लगा और कौन कौन से इलाइट पास के अंदर आपको आइटम सही लगे। बाकी बात कर तो आगे यहाँ पे MP5 का गन स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा सही है गाइस। और भाई यहाँ पे जो भी आपको आइटम दिखा रहे हैं सभी के सभी मतलब एक ही थीम पे बेस्ट रहने वाले हैं, और सभी के सभी एक ही इलाइट पास के अंदर यानी कि मई के इलाइट पास के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है और सबके सब आइटम आपको दिखाने वाले। बस यार वीडियो को फुल वॉच कर लेना और एक टारगेट छोटा सा रखे हैं, जो कि 100K का 15 अप्रैल से पहले देखते हैं कि टारगेट कंप्लीट होता है कि नहीं। अगर आप लोग चाहोगे, आप लोग सपोर्ट दिखाओगे और हमारे मेहनत से हो सकता है कि कंप्लीट हो भी जाए, तो आप लोग जरूर यार सपोर्ट दिखाना अपने तरफ से। हमारे तरफ से जो भी मेहनत बनता है हम करने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे के यहाँ पे जो भी आइटम्स है उसके बारे में बात करते हैं। आगे यहाँ पे आपको मिनी शॉर्ट गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जैसे कि आपको पता है ये वाला शॉर्ट गन का स्किन ज़्यादातर देखने को मिल जाता है अपने इलाइट पास के अंदर, और यहाँ पे ये देखने को मिलने वाला है। इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और इसमें आई जैसे कुछ चिपका दिया गया है, आई जैसा कुछ चिपका दिया गया चीज। बाकी यहाँ पे बात करें तो ऐसा कुछ आपको बैकपैक देखने को मिलने वाला है, जो कि लेवल 3 पे ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेवल 2 और लेवल 1 का अलग ही यहाँ पे लुक देने वाला है, लेकिन यहाँ पे लेवल 3 का जो यहाँ पे बैकपैक है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है गाइस। तो इस बैकपैक के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यह बैकपैक आपको कैसा लगा, और साथ में जैसे बताया कि पिछले वाले यानी कि जून इलाइट पास का भी आप वीडियो देख लेना, और दोनों के सभी आइटम देखने के बाद ओवरऑल बताना कि कौन सा बेस्ट रहने वाला इलाइट पास, कौन सा परचेज करेंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे तो सब परचेज किया ही जाता है भाई, बट यहाँ पे जिनके पास नहीं होता है डायमंड कम होता है उनके लिए यहाँ पे सही रहता है कि पता चल जाएगी कौन सा इलाइट पास लेना बेहतर रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये बैकपैक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, और इसमें मेरे मॉन्स्टर ट्रक का भी गन स्किन मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बाकी यहाँ पे 2 गन स्किन के दिए गए, ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है। आगे बात करते हैं और यहाँ पे लूट बॉक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि भाई कतई जहर मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग है। ऐसा लग रहा है मतलब यहाँ पे क्लॉक यहाँ पे चल रहा है और वो भी ओपन, इसमें है मतलब लूट बॉक्स बन जाओ और ऐसा आपका घड़ी चलेगा, आप ऊपर चले जाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ टाइमिंग वगैरह का दर्शाया गया है, और साथ में यहाँ पे कुछ बॉक्स जैसे बना दिया गया है जिसे ओपन किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है गाइस, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग लगा। मतलब ऐसा कोई हमें लूट बॉक्स अभी तक देखने को नहीं मिला था फ्री फायर के अंदर, जो कि बिल्कुल अलग तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपना राय, जो भी यहाँ पे आइटम दिखा रहे हैं भाई कमेंट बॉक्स में अपना राय देते रहना, इससे अच्छा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट आइटम के बारे में। उससे पहले आपको बता दे गाइस, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक चिपका दो यार, और एक बार इस वीडियो को शेयर मार देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो एक बार शेयर मार देना। और आगे यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट आइटम के बारे में, जो कि रहने वाला है बेसिकली पैरासूट का स्किन। आपको पता है कि पैरासूट स्किन, स्केटबोर्ड स्किन, ये सभी तो मिलता ही मिलता है कोई भी लाइट पास के अंदर। तो यहाँ पे ये पैरासूट का भी स्किन आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि पूरा पूरा इसी कलर कॉम्बिनेशन के तौर पर सजाया गया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है। स्केटबोर्ड भी आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और इसका लुक देखने में भाई कतई जहर लगता है, अलग तरीके का ये लग रहा है। बाकी इसके इफेक्ट्स वगैरह अभी नहीं सजाए गए हैं, अभी इसके डिजाइनिंग और यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन जो है वो दिखा दिए गए हैं, इसके इफेक्ट्स अभी नहीं है, और इसका जो वीडियो आता है वो अभी नहीं आया हुआ है। तो वीडियो जैसे आएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा, तो उस वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब मार के बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, ताकि जैसे आपके पास वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन पहुंचा जाए आपके पास। यहाँ पे फीमेल का बंडल आप देख सकते हो, फीमेल का बंडल मुझे ओवरऑल सही लगा, बट भाई इसका मेल बंडल जो है मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि इसका जो हेयर स्टाइल या जो भी इसका मास्क ऊपर से चिपकाया गया ये मुझे काफ़ी बेकार लगा, मुझे सही नहीं लगा। लेकिन इसके बारे में आप लोग जरूर बताना, अभी यार इसका जो वीडियो क्लिप आएगा वो देखने के बाद यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि बंडल कैसे
कैसा है। वैसे बात करते हैं इमेज के अंदर यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता, कुछ यहाँ पे इमेजेस ब्लर हो जाते हैं, तो जिसके कारण ये अच्छा खासा नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे जब ये क्लियर इसका वीडियो आएगा, वीडियो क्लिप आएगा, तो ये समझ में आ जाएगा ओवरऑल। तो ये जितने भी आइटम्स थे सबके सब यहाँ पे एक साथ आपको यहाँ पे दिख रहे हो, ये सभी के सभी आइटम इसी इलाइट पास के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ओवरऑल मुझे काफी ज्यादा सही लगा ये इलाइट पास, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है बेसिकली काफी ज्यादा अलग कर दिया गया है, गोल्डन और साथ में यहाँ पे ब्लू का यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन किया गया है। तो भाई मुझे तो उतना सही नहीं लगा, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताना रहा है। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑल गाइस।